Then Elon Musk Tesla of setting up a manufacturing plant in India. Next year, क्या Elon Musk India में inaugurate करने जा रहे हैं और President Joe Biden भी वहां पर पहुंचेंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, डे बाय डे बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बट पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आती। तब भी अंग्रेज इंडिया के ज़्यादा साथ थे और हमें पीछे दिखाना चाहते थे मुसलमानों को, वो कभी भी नहीं ये चाहते थे कि मुसलमान आगे आए, इसलिए उन्होंने इंडिया का ज्यादा साथ दिया है। और नाउ चीमा साहब, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, यू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, यहां से फोरकास्ट कर ले अपना फ्यूचर, ये आपके पाकिस्तान की आदत। हमें जाना जाता है, आप गलत कह रही हैं, दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है। चीमा साहब, बदनामी तो तब होती है अगर नामी हो, इज्जत तो बेइज्जती तो तब होती है अगर इज्जत हो, पहली तो बात ये है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी, तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत? जी बिल्कुल, उसे तो खुशी खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था। अभी वो देने वाले में है और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छाबा हमने लगा लिया है। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने के आए हो, और इंडिया का होता है कि ये कोई हमसे बात करने आया है, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। और इंडिया यूएस में ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है इन सब में? ये बड़ी इधर एक बड़ी इंसल्ट वाली हमारी स्टोरी बनी हुई है कि अभी यूरोप हम नहीं जा सकते, अमेरिका हम नहीं जा सकते, एक मेरा ख्याल है कनाडा ही खुला हुआ है, तो ये क्यों स्लिप? इनको पता नहीं लगता कि इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है तार साहब, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। चीमा साहब, बाइडन ने क्या जवाब देना है जब आपके सिर्फ 57 इस्लामिक कंट्री नहीं कुछ कर सकते तो ये क्यों करेंगे? सबसे पूछने वाली बात तो ये। जय हिंद दोस्तों, एलोन मस्क टेस्ला कंपनी को जो है भारत में खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी जो है वो भारत में लगने जा रही है, हमें कुछ पूछता नहीं है, इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी हैरान थे। शुरू में एलोन मस्क से कहा गया था कि भारत की टेस्ला कंपनी को खोलने के लिए भारत के अंदर, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट जो है वहाँ से गाड़ी बना कर डायरेक्ट यहाँ ले कर इम्पोर्ट करके बेचेंगे, तो भारत ने साफ मना कर दिया था एलोन मस्क को। अब एलोन मस्क जो है फिर से तैयार हो चुके हैं और आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत से बोल रहे हैं कि हमें जो है कंपनी खोलने दें, जिससे बहुत ही बड़ी रोज़गार होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो अपनी गाड़ियाँ भी बेच पाएंगे भारत के अंदर। तो ये फाइनल हो चुका है, देखो जनवरी से फरवरी तक टेस्ला कंपनी जो है ये भारत के अंदर अपना प्लांट लगाएगी और कार के मैन्युफैक्चर करेगी। ये न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से पाकिस्तानी मीडिया के लोगों के तरफ जा रहा है, लोगों का कहना है कि हमें कोई मुंह तक नहीं लगा रहा है, कोई पूछ तक नहीं रहा है। अब भारत में एक से एक जो है कंपनी आई, पहले एप्पल का स्टोर खुला, अब जो है टेस्ला भी आने को तैयार। एलोन मस्क टेस्ला क्यों इतना डेस्परेट है भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए? पहले आईफोन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ला पर मेड इन इंडिया के बारे में क्या ठीक है? अब आ रहा है कि बात इंडिया की, इंडिया देखे बहुत ज्यादा डेवलप है, एलोन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। एलोन मस्क अभी से नहीं, इसकी 5-6 साल से वहाँ पे बात चल रही थी। बड़े इदारे की अगर बात करें तो यहाँ पर हेड ऑफिस नहीं है, जबकि वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर है। यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है, आप इदारा कह रही हैं, इदारों के तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एप्पल सेंटर नहीं है ऑफिशियल, ठीक है? इदारा तो अभी बहुत दूर है, अभी आप उम्मीद रखें कि 30 साल बाद इदारे बनना शुरू होंगे, अभी का कोई हिसाब नहीं है। वो इस टाइम हमसे 50 साल आगे का जी रहे हैं, हम उनसे 50 साल अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है? वो देखें, अगर हम उनका बच्चा है ना 11 साल से 12 साल का, वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा जो बच्चा है ना वो पंजाबी में सबसे पहले गालियाँ देता है, ठीक है ना? ठीक है, वो पंजाबी में गालियाँ देता है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वहाँ पे एजुकेशन वाइज भी लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। इज्जत बेइज्जती तब होती, इज्जत होती बेइज्जती तब होती। जब 12,000 पासपोर्ट आपने अफगानियों को बेचे, अफगान जब आपको दिए हैं सऊदी अरेबिया वालों ने, रहेगी पासपोर्ट की वैल्यू उसके बाद आपकी? उसके पास इज्जत आपके पास थी उसकी? हालांकि सऊदी इतने हमारी सपोर्ट करते हैं तार साहब के, हज के दिनों में सऊदी अपना जो कस्टम के लोग हैं वो इस्लामाबाद ले जाते हैं ताकि इधर ही एंट्री डाल देते हैं, मतलब इतना ताकि वहां पे बर्डन ना पड़े। बड़ी हमारी मदद करते हैं, बड़ी मदद करते हैं। मुझे दो चीजें नहीं भूलती,
वो गारे हरा के रस्ते में मुझे किसी ने वीडियो बना के भेजी है, वहां पे कोई 50 बंदा मांगने वाला बैठा है, सारे उमरे के वीजे लेकर गए हैं। मुझे आज किसी ने वीडियो भेजी, शायद मैंने आपको भी भेजी, दो पाकिस्तानी खूबसूरत लड़कियां जाके दुबई में खैरात मांग रही और वो लोग उनको छेड़ रहे हैं आगे से, वो आगे से पैसे मांग रहे हैं। जवान लड़कियां, जवान लड़की। टेस्ला की तरफ से अब इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि टेस्ला टू डबल इट्स कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जहां पहले अगर 7,500 करोड़ के ये जो है अगर होता था इंपोर्ट, तो अब इसको अगर डबल कर लिया जाए तो 15,000 करोड़ तक ये जो इंपोर्ट है ये पहुंच जाएगी। कुछ इस तरह के फिगर्स जो हैं वो सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, यानी डबल हो जाएगा जो भी ये काम था इंपोर्ट का, कंपोनेंट इंपोर्ट्स जो है उसमें ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स, उसके लिए टेस्ला ने अब उसकी वो बढ़ा दिया है। तो इसी के साथ जहां ये हुआ वहीं पर पता ये चला कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो पहुंचे यूएस, और यूएस में वो फ्रीमोंट पर वहां पर जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है, ऑफिस में उनके पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और वहां से फिर ये खबरें जो हैं ये चलना शुरू हुई और पता ये चला कि उनके मिनिस्टर मिस्टर गोयल वहां पर यहां तक बात हुई है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो टेस्ला जनवरी में उसको इंडिया में जो फैक्ट्री, आपको पता है ना कि ये खबरें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमसे तो अफगानिस्तान भी आगे जा चुका है, हमारे साथ हम कहते हैं इंडिया हमसे हमारे मुकाबले, इंडिया के तो हमारा मुकाबला अब है ही नहीं, वो तो उसका मुकाबला ही चाइना से, अब वो तो कहते ही नहीं कि हमसे उसे जीतना कहीं पे, ये तो बात सच्ची है। हमारा इसम अगर कंपटीशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए वो शायद बांग्लादेश से हो सकता है, बांग्लादेश से भी नहीं हो सकता, उनका टका हमसे आगे है। जी टका वो क्योंकि सेमी टके से भी आगे किया हुआ है ना, और हमारे से जो से आगे पहले अफगानिस्तान था जिनको अफगानी को बाहर निकाल रहे हैं वो भी बेवजह है। अच्छा भारत क्यों अब हमें लाइट लेता है या वो इतनी तरक्की क्यों कर गया है? हम लोग अलग तो हम 1947 में उनसे हुए थे और दोनों मुल्कों के हालात एक जैसे ही थे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनसे अलग हो गए थे और उन्होंने हमें दूर कर दी, तो अगर वो हमारे साथ होता इस टाइम वो भी कटोरा लेके बैठा होता। भारत? जी बिल्कुल, उसे तो खुशी खुशी कटोरा हमारे साथ लेके फिरना था, अभी वो देने वाले में है। अच्छा। और हमारा कटोरा पहले कटोरा था, अब बड़ा छाबा हमने लगा लिया। जिस मुल्क में जाते हैं सबसे पहले उनका यही होता है कि मांगने के आए हो। अच्छा। और इंडिया का होता कि ये कोई हमसे बात करने आए, कोई बिजनेस लेवल पे बात करने आ रहा है। अब जितना भी है देखे, रेंज रोवर किसका है अभी, वो इंडिया का, वो देखिए हमारे पास कौन सा, हमारे पास सुजुकी है, वो भी छिलकी सी है, सुजुकी हमारी अपनी तो नहीं है, वो हमारी अपनी लेकिन हम तो जबरदस्ती बना के बैठे हैं ना उसको अपना, अगर वो हल्की सी बस उसके पास से गुजरती है तो कामने लग जाती है वाइब्रेशन के लिए, बाबा जी गाड़ी है वो, तो क्या हम कह सकते हैं। मोबाइल फोन तक हमारे अपने नहीं है, हम लोग बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं, उनको ये असेंबल करके जो है वो पकड़ा देते हैं, वो भी थर्ड लो कैटेगरी में हमें यूज दे रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास में हमें देते नहीं, जो फर्स्ट क्लास में है वो बाहर से जाके ले लेते हैं, जैसे कि दुबई में है, ठीक है ना, जो हमें यहाँ पर मिल रही है चीज़ वो थर्ड से भी पीछे मिल रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम फर्स्ट क्लास में जाना पसंद ही नहीं करते हैं, हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम कहते हैं हम नंबर वन पे उनसे आगे हैं, तो फिर आप कह रहे कंपैरिजन बनता है, मांगने में सबसे आगे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हम मांगने में सबसे आगे हैं और रहेंगे इनसे इंशाल्लाह, इसमें कोई शक, इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अभी गंजे साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ आए हैं, इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ क्यों कर गए हैं वो इतनी तरक्की। देखिए जी उनका मोदी एक है जो हिंदू है, ठीक है, और हमारा मुसलमान है, हमारा जो सा मुसलमान है उनका हिंदू है, वो हिंदू अपने मुल्क से सिंसियर है, वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हैं उधर रहते, वो भी कहते हैं कि हमारा तुम लोगों से ज्यादा अच्छा है ये जो सा लीडर। आपको मालूम है कि धीरे धीरे पाकिस्तान से सभी कंपनियां भाग रही हैं क्योंकि वहां पे रोजगार नाम पे कुछ भी नहीं रह चुका है, क्योंकि वहाँ लोग जो है रोटी के लिए मर रहे हैं, आटे के लिए मर रहे हैं, वहाँ के मुसलमान जो हैं वो बेगैरत हैं, मुनाफे खाना में खोजते रहते हैं, कामचोर हैं वहाँ के मक्कार लोग हैं, इसी की वजह से वहाँ की कंपनियाँ जो वहाँ का मुनाफा नहीं उठा पाती है, लॉस में ही जाता है, क्योंकि वो आपस में ही जो है जातिवाद करके आपस में ही वो तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा घाटा भी होता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम होता है, तो इसी वजह से सारी कंपनी हुंडई जैसी और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से जो है जो वहां पे असेंबलिंग करती थी
कार तो नहीं बनता था, लेकिन वहाँ पे असम्बलिंग होता था, जो कि बाहर से कंट्री आके जो वहाँ असम्बली करके गाड़ियों को करती थी, वो भी अब जो है पाकिस्तान के अंदर बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जाती है। पहले कंपनी को देखा जाता है कि कंपनी की मुनाफा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी कंपनी कोई चीज़ इन्वेस्ट करेगी। जब पहले ही पाकिस्तानी लोग जो है अपना मुनाफा ज़्यादा खोजने लगते हैं, इसके वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है।